Hello everybody, I'm Rikin Modi once again welcoming you all in Immigration Genie. Stay updated, stay ahead. Hi friends, UK government frequently statement of changes पब्लिश करती है, जो इमिग्रेशन रूल्स में जो भी चेंजेस आते हैं वो एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस के रूप में वो पब्लिश करते हैं। रिसेंटली 14 मार्च को एक रूल चेंज हुआ है या फिर करेक्शन हुआ है, जिसमें वो क्या है मैं इसके रिगार्डिंग हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो पहले तो जो भी लोग स्किल वर्कर वीजा पे यूके में काम कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल वो आईटी प्रोफेशनल्स हो या हेल्थ केयर असिस्टेंट हो, जो यूके में काम कर रहे थे उनको अपने 40 आवर्स जो वीकली वो काम कर सकते थे अपनी खुद की कंपनी में, जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया है, और 20 आवर्स वो किसी और कंपनी में इन सेम ऑक्यूपेशन कोड में वो काम कर सकते थे। हाल में 4 अप्रैल को वो उस रूल्स में चेंजेस आने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ओरिजिनल रूल क्या है, जो 4 अप्रैल से पहले अभी का हाल क्या यूके की वेबसाइट पर जो रूल्स एप्लीकेबल है हम उसको हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हो स्किल वर्कर वीजा में टेकिंग ऑन एडिशनल वर्क में अभी वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है। इट मींस यहाँ पे लिखा है कि इफ यू वर्क ओवर टाइम इन द जॉब यू आर बीइंग स्पॉन्सर्ड फॉर, यू डू नॉट नीड टू अपडेट योर वीजा। इट मींस आप अपने जॉब में अगर अप्लाई करते हो तो आपको ओवर टाइम करते हो तो उसके लिए आपको वीजा अपडेट करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो लिमिट टू हाउ मेनी आवर्स ऑफ ओवर टाइम यू कैन डू। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या मेंशन किया है, यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन up to 20 hours a week in another job and for your own business. It means मान लीजिए कि आप shortage occupation list में skilled worker visa पे अभी UK में है, तो आप अपनी company के लिए 40 hours काम करते हो, 20 hours आप दूसरी किसी company के लिए काम कर सकते हो या फिर अपने खुद के लिए भी काम कर सकते हो। जो main points है वो your work must be either in the same occupation code and at the same level as the job you are being sponsored for or and in a shortage occupation. इट मीन्स इधर यू मस्ट बी, अगर आप केयर वर्कर के तौर पे काम करते हो तो आपको 20 आवर्स केयर वर्क में ही काम करना पड़ेगा। अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो तो 20 आवर्स आप आईटी प्रोफेशनल में ही काम करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज राइट नाउ ऑन द वेबसाइट ऑफ यूके गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, व्हाट वी जस्ट सॉ इज अ करंट सिचुएशन, बट नाउ फ्रॉम 4th ऑफ अप्रैल वी आर गोइंग टू विटनेस अ ह्यूज रिलैक्सेशन इन ऑल द सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट रूल्स। इट मीन्स 4th अप्रैल के बाद किसी भी बंदे को अगर स्किल वर्कर वीजा पे वो काम करता है तो 20 आवर्स जो एडिशनल सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट है वो एज पर इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट वो किसी भी ऑक्यूपेशन में कर सकता है अलोंग विद हिज सेम ऑक्यूपेशन कोड। इट मींस अगर कोई बंदा हेल्थ केयर असिस्टेंट के तौर पे 40 आवर्स वीकली काम करता है अपनी कंपनी के लिए जिसने उसको स्पॉन्सर किया है, तो रेस्ट 20 आवर्स ही कैन एक्ट एज अ डायरेक्टर एज वेल और he can also work with another group of company as well without any restriction. Yes, of course we need to take care of few things that uski company se ho sakti hai usko permission leni padegi ya ho sakta hai wo jo hours of working hai wo overlap nahi hone chahiye. So without affecting any laws or any rules and regulation agar wo kaam karta hai banda to wo 20 hours kisi bhi company mein ya kisi bhi job profile mein as per the immigration salary list kaam kar sakta hai. So this is the very best news, very good news, which is going to be implemented from 4th of April. I hope you like this video. So please share, subscribe and press the bell icon for notification for more such YouTube videos. And of course, please follow us on Instagram.